दोस्तों डे थ्री में आपका फिर से एक बार लोनावला में स्वागत है। आज पूरा दिन कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर तो नहीं किया, घर पे ही था मैं पूरा दिन सुबह से, लेकिन इस वक्त शाम के करीब करीब 5 बजे है और क्लाइमेट लोनावला का इतना खूबसूरत हो गया है कि मैं आपसे क्या कहूँ। ज़बरदस्त जोरों की बारिश हो रही है रास्ते पे, जगह जगह पे फॉग है, तो मैंने सोचा कि जिस बंगलों पे मैंने स्टे किया है उस बंगलों में स्टे तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन उसी से थोड़े पास एक दूसरा बंगलो है जहाँ मैं अक्सर स्टे करता हूँ पर्पल सीजन में। तो इस वक्त मैं कुछ देर पार्टी करने के लिए, 4 से 5 घंटे पार्टी करने के लिए एज यूजुअल हमेशा की तरह पर्पल सीजन में आया हूँ। साथ में मेरी फैमिली है, तो 3-4 घंटे अभी मैं आपको यहाँ पे पार्टी करने की जगह पे, जो यहाँ पे जहाँ बैठ के मैं पार्टी करता हूँ वहाँ पे लेके जाता हूँ, और किस तरीके से पूरा अरेंजमेंट है टेरेस के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ यहाँ पे आसपास का जो व्यू है, बारिश जिस तरीके से हो रही है, ये पूरा शूट करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आपको बहुत मज़ा आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, कार से बाहर निकलता हूँ और आपको भी मेरे साथ में लेके चलता हूँ। ये आपको बाहर का सीन इस वक्त दिखाता हूँ मैं, देखिए। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैंने अभी पार्टी करने के लिए एक दूसरे बंगलों पे आया हूँ जहाँ पे मैं अक्सर आते रहता हूँ पर्पल सीजन में, तो मेरे साथ बच्चे भी जो है बहुत ही एक्साइटेड इस पार्टी को लेके, और बारिश बहुत जोरों की हो रही है तो टेरिस पे बैठ के बहुत धमाल होने वाली है, जोरों की म्यूजिक बजने वाली है। तो बच्चे मेरे साथ में, मैं पूछता हूँ उनको क्या मजे करने वाले और क्या धमाल करने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पर्श से। स्पर्श बताओ क्या करने वाले आज? आज हम लोग सबसे पहले टेरेस पे जाएंगे, ऊपर से हम लोग गाना बजाएंगे, वो भी एकदम जोर जोर के। उसके बाद मैं तो नाचने वाला हूँ, मुझे नाचना बहुत पसंद है, और जो नाचेगा वो अच्छी बात है। तो नाचने के बाद, और नाचने से इतनी सारी बारिश होगी तो फिर तो हम लोग अमरा के बिना ही नाचे वाले। अभी यूवी मेरे साथ में है और यूवी आपको बताने वाला है क्या करने वाले हैं। हेलो गाइस, अभी हम लोग पार्टी करने वाले हैं टेरेस पे, और रेनफॉल भी ज़्यादा आ रही है, और हम लोग डांस भी करने वाले हैं टेरेस पे, तो आज बहुत फन होने वाला है। तो और हम लोग अभी न्यू जब कोई और बंगलो में आए हैं, वो भी लोनावला में। मेरे साथ में विवान भी है, विवान क्या करने वाला बता मुझे। हाय गाइस, आज हम लोग पार्टी करने वाले हैं, इवनिंग पार्टी होगी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और सब मजे करने वाले, डांस करने वाले हैं। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। बाय दोस्तों, चलिए तो फिर चलते हैं, पार्टी की तैयारी करते हैं, टेरिस पे जाते हैं और वहाँ पे साउंड सिस्टम को सेट करते हैं और फटाफट पार्टी स्टार्ट करते हैं, और आपको शूट करके दिखाता हूँ कि ऊपर से इस वक्त यहाँ का व्यू क्या है, आपको ऊपर जाके शूट करके दिखाता हूँ मैं। इस वक्त ज़्यादा बारिश होने के कारण लोनावला में लाइट जा चुकी है, तो अंधेरे में ही हमको सब सेटिंग करनी पड़ेगी। हालांकि इन्वर्टर से लाइट चालू है, लेकिन सभी लाइटें इसमें ऑन नहीं कर सकते। दोस्तों ये है यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कितना खूबसूरत माहौल है इस वक्त यहाँ पे, चारों ओर पानी पानी, बारिश हो रही है। आपको पूरा 360 डिग्री में दिखाता हूँ कि क्या सिचुएशन है इस वक्त यहाँ पे, ये देखिए। और ये यहाँ पे एक रूफटॉप टेरेस है, यहाँ बैठ के हम लोग अक्सर पार्टी किया करते हैं, जब भी मैं लोनावला आता हूँ तो इसी बंगले में यहाँ बैठ के हम लोग ढेर सारी पार्टी करते हैं, पूरी पूरी रात भगते हैं। और आज क्योंकि पूरी रात तो मैं यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन करीब करीब सोच रहा हूँ कि 8:30-9 बजे तक हम लोग यहाँ बैठेंगे, 8:30-9 बजे तक बैठ के हम लोग यहाँ पे पार्टी करने का प्लान कर रहे हैं। तो इस टेरेस पे हमने यहाँ पे बैठने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ों का अरेंजमेंट भी किया हुआ है, और साथ ही आपको बताऊँ कि एक छोटा सा मिनी फ्रिज भी है, जो कि आपको दिखाता हूँ। ओके, पार्टी करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक स्पीकर है। ओके, ये एक छोटा सा मिनी फ्रिज है रेड बुल का, क्योंकि हम अभी यहाँ से लेके जाके बाहर टेरेस पे लगाएंगे। Thank you.
Let's go deeper. आज हमने सन का रेस देखा और देखो हमको दिख रहा था स्लाइड रेनबो, हमने आज वो भी देखा, बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की और बहुत सारा फन अभी कर रहे हैं। और अभी हम लोग अपने घर पे जाने वाले अभी आधे एक घंटे में, तो बाय बाय। दोस्तों सच कहूँ आज दिल एकदम बहुत खुश हो गया है। करीब करीब 20 साल के बाद में आज पहली बार मैंने रेनबो देखा है। बहुत छोटा था तब शायद मैंने कभी देखा, और उसके बाद भी एक आध दो बार कभी शायद मैंने जीवन में रेनबो को देखा है, लेकिन आज टच उड मैं क्या कहूँ, मैं एकदम निशब्द हूँ, स्पीचलेस हूँ, क्योंकि मैंने इतना खूबसूरत नज़ारा लोनावला में इससे पहले कभी नहीं देखा। मेरे सामने खूबसूरत सा सनसेट हो रहा है, बादलों के बीच छुपा हुआ सन है, और उसके बीच से निकलती हुई सूरज की रोशनी, उसकी किरणें, इतना अद्भुत दृश्य कि मैं आपसे क्या कहूँ। और ठीक मेरे पीछे 2 मिनट पहले रेनबो था, मैंने उसे भी गोप्रो से शूट किया है, पर मुझे नहीं पता वो कितना क्लियर आपको कैमरे में दिखेगा देखते वक्त। लेकिन सच कहूँ दोस्तों, मैं इतना खुश हूँ इस दृश्य को देख के कि आज लोनावला में मेरा day 3 पूरा वसूल हो चुका है, और उम्मीद करूँगा कि ये सब देख के आप भी उतने खुश होने वाले हो जितना कि इस वक्त मैं खुशी का अनुभव महसूस कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो 3 दिन की छुट्टियाँ लोनावला में इस वक्त खत समाप्त हो चुकी है, और वापस से मुंबई जाने का समय जो है वो आ चुका है, और सीधे हम मुंबई के लिए निकल रहे हैं अभी यहाँ से। दोस्तों बहुत सी खूबसूरत यादें, ख़ास तौर पे टुंगारली लेक का जो ब्यूटीफुल व्यू था, जो उसकी फ़ोटोग्राफी हमने की है, मैंने जो वीडियोग्राफी की है, और जो खूबसूरत नज़ारों का वहाँ पे आनंद लिया है, वो बहुत ही मेसमराइजिंग था, बहुत ही खूबसूरत और एक यादगार पल था वहाँ पे। और दूसरा जो खूबसूरत पल था, जो कल शाम को हमने पर्पल सीजन में पार्टी की थी, जहाँ पे बहुत ही सालों बाद फिर से एक बार हम सभी ने रेनबो देखा था, बहुत ज़बरदस्त की बारिश थी, ये दोनों मोमेंट ऐसे थे कि कभी भुलाए नहीं भुलाए जा सकते। और दूसरी महत्व की बात ये थी कि पूरी फैमिली एक साथ में थी, और उस फैमिली के साथ में मैंने इन दृश्यों का जो है वो बहुत बहुत आनंद लिया है। तो ये अपने आप में बहुत ही
एक यादगार लम्हा हो जाता है दोस्तों, कभी ना भूल पाने वाला एक लम्हा था ये। तो सारे अच्छे ब्यूटीफुल खूबसूरत दृश्य को मैंने कैप्चर किया है और जितना इन्जॉय मैंने किया है उतना आप भी डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद में हर पल को आप भी इतना ही इन्जॉय करेंगे जितना मैंने और मेरे परिवार ने पूरा इस वक्त 3 दिनों की छुट्टियों में लोनावला में किया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो बस इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।